गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपण मराठी पाहणार आहोत। काय आहे मराठीचा पुढचा धडा तर बघूया। बघा, धडा नाही, कविता आहे। कविता 17वी, पाणपोई। पाणपोई म्हणजे काय रे सांगा मला। पाणपोई मतलब वॉटर, जहाँ पानी जहाँ पे पीते हैं उसको पाणपोई कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने बस स्टॉप पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, ये जो हमारे छोटे छोटे बस स्टॉप है वहाँ पे पानपोई नहीं होती। जो गांव में जाने वाली जो लग्जरीज होती है, एसटी जो होती है, वहाँ पे पानपोई रखी हुई होती है और रेलवे स्टेशन पे भी पानपोई होती है। ठीक है, काय आहे तर चला बघूया। मी सांगते बघा। उन्हात घामे जणू अंगाची होती या लाही लाही, सूर्य किरणाची लागती उष्ण गरम जळाई। आठवते दुग्ध उन्हातली थंडगार सराई, वटवृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पाणपोई। रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, धुळी संगे पाळा पोचवळा जाई या उंच अंबरा। थकलेल्या वाट सरू लागलानी एती गरा गरा, पिऊन पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळे खरा। या दिवसात चोहीकडे पडते कडक ऊन, सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, पिण्यात ठेवत्यात पाण्याने भरलेले रांजण। रंक असो वा राव हे पाणी पितात सारे जण, झाकलेला लाल कपडा गार पाणी रांजणात, भरपेट पाणी पिऊन तृप्त वाटते मनात, धन्य असो ज्याने थाटली पाणपोई उन्हात। पिऊन या पाणी दुवा देती सारे त्या सज्जनास, अयुब पठाण लोहगावकर यांनी ही कविता लिहिलेली आहे। ठीक आहे, पोएटचं नाव काय आहे? अयुब पठाण लोहगावकर। ठीक आहे, काय बोलतात आहे ते, क्या बोल रहे है वो, कि उन्हात घामे जुनी अंगाची होती या लाही लाही। धूप में इतनी धूप है कि ये धूप में पूरे हम लोग क्या है, पसीने से तरबतर है और अंग बदन की शरीर की क्या हो रही है, लाही लाही, मतलब पूरा जो शरीर है वो धूप की वजह से जल रहा है। इतनी धूप गिर रही है, उष्ण गर्म झड़ाई मतलब सूर्य किरण जो है, किरणें भी कैसे है, गर्म गर्म है। हाँ, उस तभी क्या हो रही है, हमें याद आता है दुग्ध उनातिल थंडगार सराई, तभी दूध की जो लस्सी बनती है तभी हम लोग को लस्सी की याद आती है, ऐसा यहाँ पे बताया है। हाँ, वटवृक्षाचा सावलीत, वटवृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे ये पानपोई लगाई गई है। हाँ, फिर क्या बताया है, रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, रखरखत्या मतलब जब भी धूप तेज है उसमें अचानक हल्का सा हवा आती है तो वो हवा कितनी अच्छी लगती है, उसके हवा के संग धूल मिट्टी आती है, सूखा हुआ पत्ता आता है और वो पत्ता ऊपर जाता है, आकाश में जाता है, है ऐसा बताया गया है। अंबरा मतलब आकाश में, अचानक से देखो बहुत धूप पड़ी है और अचानक से ठंडी हवा आती है तो कितना अच्छा लगता है, वो यहाँ पे बताया गया है। थकलेला वाट सरूला ग्लानी एती गरा गरा, थके हुए वाट सरू जो थके हुए राहगीर है उन्हें ग्लानी आ रही है, मतलब चक्कर आ रही है गरा गरा, तभी वे लोग पानी पीते है, तभी वो कैसे होते है, अच्छे हो जाते है, घोट भर पानी मतलब घोट भर पानी पीते है तो उनके कैसे होते है, अच्छा लगता है और उन्हें वो जो घोट भर पानी का महत्व पता चलता है कि पानी का क्या इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग ऐसे ही पानी वेस्ट करते हैं बट वैसे नहीं करना है हमें, तो हम लोग शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, इसलिए हमें ना ही बिजली की कमी है, ना ही पानी की कमी है, ना ही और किसी चीज़ की कमी है। बट आप लोग गाँव में देखो, छोटे से छोटे गांव में जाओ, ना ही वहाँ कोई बच्चों को खाना मिलता है तरीके का, ना ही कपड़े मिलते हैं, ना ही नहाने के लिए पानी, तो छोड़ो पीने के लिए भी उन लोगों को पानी नहीं मिलता है और वो लोग अंधेरे में रहते हैं। हम लोग यहाँ पे चकाचौन में अच्छे से रहते हैं इसलिए हमें किसी चीज़ की केयर नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वैसे नहीं करना है हमें, सब चीज़ की केयर करनी है, चाहे पानी रहे, चाहे खाना रहे, चाहे बिजली रहे, चाहे और कुछ भी चीज़ें रहे, हमें क्या करना है, सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, पानी तो बहुत छोटी
चीज है, बट वो भी हमें क्या करना है, अच्छे से उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, या दिवसात चोही कड़े पड़ते करक ऊन, सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान। या ये दिनों में क्या होता है, घड़ी घड़ी क्या है, धूप पड़ती है, और वो धूप कैसे होती है, बहुत तेज होती है, इसलिए सबको क्या लगती है, बार बार प्यास लगती है। पिण्यास ठेवतात भरलेले रांधण, रंग असो वाराव, हे पाणी पीतात सारे जण। धूप में बहुत धूप तेज होती है, इसलिए देखो आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी या पापा या किसी नेबर को या किसी रिलेटिव को देखा होगा कि कटोरे में पानी रखते हैं, पतरे पे या गैलरी में, या फिर चिड़िया को अभी खाना खाना खाने का, और वो पानी का ऐसा स्टैंड अलग से आता है, वो भरा हुआ रखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो वैसे ही गांव साइड में क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे रांझन, मतलब बहुत बड़ा मटका होता है, उसको रांझन कहते हैं, वो भरा रखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ऐसा मटका, उस पर लाल कपड़ा रखते हैं, क्यों, ताकि उसमें पानी जो रहे वो ठंडा रह सके। वो जो रखा है तो वो पानी कोई भी पी सकता है, रंग का मतलब गरीब रहे या श्रीमंत रहे, कोई भी पी सकता है, गरीब या अमीर, ये कोई भी पानी पी सकता है। हाँ, झाकलेला लाल कपड़ा गार पानी रांझण आता, देखो लाल कपड़ा बोली ना मैं, ढका हुआ है लाल कपड़ा और पानी है रांझण में, भर पेट पानी पीऊनी तृप्त वाटते मना, भर पेट, अच्छा सा पेट भर पानी पीने के बाद मन कैसा होता है, तृप्त होता है, सैटिस्फाइड होता है। फिर धन्य असो जाने थाटेली ही पान पोई, फिर वो पानी पीने के बाद ब्लेसिंग देते हैं कि धन्य है जिसने रखी है ये पान पोई, पीऊनी या पानी दुआ देती सारे त्यास जनास, जिसने रखी है उसको वो दुआ मिलती है कि आपने ये रखा है, इसलिए हमें क्या मिला है, अच्छा पानी पीने मिला है, और हम लोग की प्यास बुझ गई है, इसलिए मन से क्या निकलती है, दुआ निकलती है। ठीक है, क्यों निकलती है, क्योंकि पानी किधर भी नहीं था, इतनी धूप में पानी मिला, इसलिए दुआ निकली है। हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को बाद में देती हूँ। थैंक यू, बाय।